अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। चिकन कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है चिकन 1 किलो, जिसे हमने वॉश करके रख लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच कोकोनट का बुरादा, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 150 ग्राम दही, 1/2 चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, 1/2 टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज पत्ते, 5 प्याज ली है जो हमने स्लाइसेस में कट करके रख ली है, और केवरा वाटर। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। प्याज काटी थी, इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज हमने डाल दी है, अब इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज को हमने प्लेट में निकाल लिया है। प्याज देखिए कितनी क्रंची हो गई है, इस तरीके से इसे ब्राउन करनी है। अब इसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और ले लेंगे, क्योंकि कोरमे में तेल ज़्यादा पड़ता है, तो 1 चम्मच तेल और ले लेंगे। अब जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो सारे इसमें डाल देंगे। इसे थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, अब इसमें हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था 2 चम्मच, वो इसमें डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे। अब इसको इसके साथ अच्छे से भून लेंगे, अदरक लहसुन के स्मेल निकलने तक। अदरक लहसुन को इसके साथ अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन की स्मेल आती है, तो इसलिए उसे अच्छे से भूनना ज़रूरी है। हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला था वो अच्छे से भुन गया है। अब जो हमने मसाले लिए थे अब वो इसमें डाल देंगे। ये हल्दी मिर्ची, ये धनिया पाउडर, नमक, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को मीडियम कर देंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। 2 मिनट तक इसे ऐसे ही भून लेंगे, फिर इसमें दही डालेंगे। जब ये भुन जाएगा 2 मिनट के बाद, मिक्स कर लिया है, 2 मिनट तक इसे भुनने देंगे। दो मिनट हो गए हैं, मसाले भून चुके हैं 2 मिनट तक। अब इसमें हम डालेंगे दही डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। अब 15 मिनट तक इसे ढक के रख देंगे चिकन गलने तक। ढक्कन खोल के बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे कि मसाला लग तो नहीं रहा। इसे अभी और फिर से ढक के रख देंगे। अब
आप ढक्कन खोल के देख लेंगे। जो हमने दही डाला था उसका पानी खुशक हो गया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने ब्राउन करी थी। हमने ब्राउन की थी उसे हाथ से मसल लिया है। अब इसको इसमें डाल देंगे। और जो हमने गोले का बुरादा लिया था वो भी डाल देंगे इसी टाइम पे। अब इनको मिक्स कर लेंगे सबको। प्याज और गोले के बुरादे के साथ इसे थोड़ी देर भूनेंगे। पाँच मिनट और भून लेंगे मसालों को। पाँच मिनट भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे। मसाला हमारा भुन गया है अच्छे से प्याज के साथ। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। एक गिलास पानी डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। ये मैंने आधा गिलास और पानी ले लिया है। जो हमने केवड़ा वाटर लिया था वो भी डाल देंगे। चार पांच ड्रॉप डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे और ढक के रख देंगे। ये ढक्कन खोल के देखते हैं। कोरमा हमारा बनके रेडी है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, चिकन कोरमा रेसिपी बनके रेडी है। कुछ इस तरीके से लग रही है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। और अच्छी लगी तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा देना। अल्लाह हाफिज़।